मैरी क्रिसमस गाइस, आज 25 दिसंबर ज़रूर है और आज क्रिसमस ज़रूर है तो मेरी सारी विशेष जाती है सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को। और हम ब्लॉग में आगे बात करेंगे न्यू ईयर के बारे में, लोग क्या क्या सेलिब्रेशन करने वाले न्यू ईयर पे। और ये विंटर वर्कशॉप का फ्रेम ज़रूर है बट हम उसके बारे में नहीं, न्यू ईयर के बारे में बात करेंगे। देखते हैं वीडियो में आगे। शिवम सर, आप बचपन में न्यू ईयर कैसे मनाते थे और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन पर न्यू ईयर से? नरेंद्र सर, आप बचपन में न्यू ईयर कैसे मनाते थे और अब बड़े होकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन इस न्यू ईयर से? बाकी सर आप बचपन में न्यू ईयर मनाते थे, कैसे मनाते थे और आपके देखो, हम तो मोस्टली क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे कंप्लीटली क्रिसमस सेलिब्रेशन करना और न्यू ईयर हमारे लिए कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था। बहुत अच्छे खासे सेलिब्रेशन करते थे। नॉर्मल नहीं था, बहुत एबनॉर्मल था। तो बचपन में न्यू ईयर, बचपन में तो मैं रामदेरा में रहा हुआ हूँ। अच्छा, तो रामदेरा मतलब जैसलमेर के पास में, तो वहाँ तो क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए वहाँ लोग टूरिस्ट खूब आते हैं न्यू ईयर के लिए, लेकिन हमारे न्यू ईयर नहीं होता था। हमारे क्या कहते थे पापा, कहते थे कि बेटा सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, ताकि जल्दी सुबह उठ के पढ़ाई अच्छी होती है। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। मैं जब जब जल्दी उठ के पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद मेरे नंबर घटते गए। पता नहीं देखिए न्यू ईयर क्या होता है फिर इतने तो हमको पता चला कब ना, जब भी हमको 5 साल हुआ तो पता चला कि न्यू ईयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जब पता चला कि न्यू ईयर क्या होता है तो मज़े से न्यू ईयर बनाते थे। पहले जब न्यू ईयर आता था 0 नाइट बनाते थे और दोस्त को ग्रीटिंग देना, ग्रीटिंग में लिखा जाता था गाड़ी में डालूंगा गियर, आज हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे बहुत सारे आने के फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो क्लब वगैरह जाते थे पापा मम्मी के साथ। हाँ, इतने मिलते थे तुम अमेरिका, मतलब क्या हमारा वहाँ क्लब ही था। दोस्तों, जिस दिन भी मैं शैम्पू से बाल धोता हूँ उस दिन लोगों के बाल ऐसे 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 फ्लफी होते होंगे बट मैं परेशान हो जाता हूँ लिटरली। तो 2019 चल रहा है, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे ऐसा हम सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं बात ये सच भी हो, मगर ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जिसके बारे में मुझे बात करने का मन हुआ कि रिवॉल्यूशन कैसे हुआ न्यू ईयर का। रिवॉल्यूशन इन सेंस आई मीन कि मैं 93 बॉर्न हूँ, तो 90s में जो बॉर्न है, 80s में जो बॉर्न है, उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपकी न्यू ईयर कैसी रहती थी बचपन में और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे? हमारी कॉलोनी में जितने भी लड़के और लड़कियां रहते थे सब साथ में मिलते, लड़के और लड़कियां भी? हाँ, लड़कियों पे आपने ज्यादा जोर दिया यहाँ पे? हाँ जी, क्योंकि रहते ही थे तो साथ में चंदे इकट्ठा करते थे, चंदे चंदा मामा, और चंदा इकट्ठा करने के बाद शाम को पार्टी करते थे और केक मंगाते थे, जितने सीनियर्स थे स्पेशली उनको बुलाते थे और कुछ ना कुछ उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको सम्मान भी देते थे और साथ में उनका आशीर्वाद लेके नए साल की शुरुआत। न्यू ईयर पर क्या अपनी छुट्टी रहती थी, अपन मूवी भी देखने चले जाते थे और मिठाई उठाई बना लेते थे, मतलब गुलाब जामुन वगैरह, और ये सब दिन में चलता था, मतलब है ना, अपन 1 तारीख के दिन पूरा इंजॉय करते थे। ऐसा होता था, ऐसा होता था, बिल्कुल मस्त। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है न्यू ईयर से? सेम एक्सपेक्टेशन है कि गुलाब जामुन वगैरह मिले, भाभी जी के साथ मजे करेंगे आप तो। आप न्यू ईयर कैसे मनाते थे बचपन में? न्यू ईयर सर अपने दोस्तों के साथ मनाते थे। क्या करते थे? पहले से ही प्लान करते थे कि आज न्यू ईयर पार्टी होने वाली है शाम को, मतलब रात को 12 बजे, तो फिर हम लोग प्लान करते थे, फिर खाने पीने की सामान खरीदा करते थे, पेप्सी कोकोला, खाने पीने का, पीने का, खाने पीने का, पीने पीने में कोल्ड ड्रिंक्स, पीने का सामान खरीदते थे। पापा हमारे जो थे न्यू ईयर में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं थे बट फिर भी ग्रीटिंग कार्ड्स प्रिंट करके रिश्तेदारों के घर पे ज़रूर भेजा करते थे। और क्या होता था, 31 तारीख को ठीक 12 बजे अगर हम जगे होते थे तो हमारी बात कर दी जाती थी, कॉल आता था
किसका? नानी का, मौसी का, मामा का, ताऊ जी का, ताई जी का, बुआ जी का, विशेज़ के लिए डेफिनेटली, न्यू ईयर की विशेज देने के लिए। तो इस तरीके से 93 से लेके 2000 जो फेज़ वन मैंने देखा न्यू ईयर का मेरी लाइफ का, वो होता था। 7 साल की उम्र तक हमारे लिए न्यू ईयर की डेफिनेशन बस इतनी ही होती थी, ज़्यादा हुआ तो मम्मी थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर देती थी घर की, दैट्स। दोस्तों सैड चीज़ जो मेरे साथ हुई कल शाम वो ये थी कि मैंने पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया था A to Z, सारा डेटा कॉपी भी कर दिया था मेरी OTG में, और मैं वो OTG मैं तो कहीं भूल गया, यहाँ कहीं मैंने गिरा थी। और तो मैंने 1 घंटे तक ट्राई भी किया पूरे 10 किलोमीटर के रास्ते पर उसको ढूंढने का, लेकिन OTG जैसी छोटी चीज़ें मिलने तो वाली है नहीं, तो फिर ब्लॉग मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा। दैट वॉज द रीज़न कि आज मैं क्रिसमस के दिन ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। दोस्तों आज क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि बादल काफ़ी सारे हैं आसमान में, तो उस वजह से थोड़ी सी डार्कनेस बनी हुई है, नेचुरल लाइट बहुत कम आ रही है, बट हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपको अच्छा अच्छा दिखाई दे सब कुछ। ईयर 2000 आ चुका था और आमिर खान जी का वो गाना भी आ चुका था, देखो 2000 का ज़माना आ गया, मिलेनियम चेंज हो गया था। और मिलेनियम चेंज होने के साथ ही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया वो था मोबाइल फ़ोन। उस टाइम पे नोकिया के मोबाइल फ़ोन चलते थे 3315 के जैसे, मेरे पापा के पास 3315 था सबसे पहला फ़ोन जो था। 3315 फ़ोन से एक रेवोल्यूशन आया कि अब हम जो कॉल्स करते थे उसकी जगह पे कल्चर स्टार्ट हो गया SMS भेजने का। अब न्यू ईयर पे कॉल्स आने कम हो गए थे, कुछ कुछ आते थे क्योंकि रेट्स बहुत हाई थी उस टाइम पे लोकल कॉल्स की, SMS पैक आया करते थे उस टाइम के, अगर 90s के लोग इसको देख रहे हैं तो दे कैन रिलेटेड वेरी इजीली। और एक और चीज़ होती थी उसमें कि अभी तो कैसा है, ग्राफिक्स आ सकते हैं, इमेजेस आ सकते हैं, उस टाइम इमेजेस नहीं आती थी। उस टाइम क्या आता था, उस टाइम ये आता था कि फॉन्ट से ही, जो फॉन्ट अपन यूज़ करते हैं उससे ही लोग इमेजेस बनाते थे, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, वॉट एवर ओकेजन जो होता था उसकी इमेज बना के वो भेजा करते थे। तो दैट वॉज द ईरा ऑफ 2001 से 2005 तक का ड्यूरेशन था जब ये सब होता था। भाग सर, आप बचपन में न्यू ईयर कैसे मनाते थे? न्यू ईयर बचपन में कि कॉलेज लाइफ में? बचपन में कहाँ मनाते थे, बस हो गया देखने फटाके वगैरह फोड़ना, बस बाकी कुछ नहीं। आप कैसे मनाते थे? व्लॉग चेक करिएगा, बताऊंगा उसमें। दोस्तों फिर आया फेस 2006 से लेके 2010 का। अब ये फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्यों? क्योंकि अब हम बहुत बड़े हो गए थे, हमें लगने लगा था कि अब हमें सब पता है दुनिया के बारे में, दो हमें ऐसा नहीं पता था, सब टीनेजर्स को ऐसा ही लगता है, मैं टीनेज में था उस टाइम पे, तो हमें लगता था अब हम पार्टी करेंगे, न्यू ईयर आ गया, जैसा कि दिखाते हैं टीवीज पे, मूवीज़ में, शोज़ में, वैसी पार्टी करेंगे। बट अब्बा बारे अभी भी नहीं माने, नहीं पिताजी, तो उनका इंटरेस्ट था नहीं वैसे न्यू ईयर का भी सेलिब्रेट करने में, पापा का ना मम्मी का ऐसा कुछ खास था। तो फिर हम कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे उस टाइम, हम आईफा अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और जितने भी XYZ अवार्ड्स आते थे टीवी शोज़ के रूप में, तो वो बैठ के देखा करते थे 9 से रात के 12 बजे तक। तो ये होता था हमारा सेलिब्रेशन न्यू ईयर का 2006 से लेके 2010 तक में। हम ग्रोन अप थे जरूर उस टाइम पर, बट पापा मम्मी जैसा बोलते थे करना पड़ता था भाई, आप भी करिए, पापा मम्मी सही बोलते हैं। हमारे देवान सर यहाँ पे अकेले बैठे हैं, उनसे पूछते हैं वो बचपन में न्यू ईयर कैसे मनाया करते थे। देवान सर, न्यू ईयर दोस्तों बताइए दोस्तों को कि आप बचपन में न्यू ईयर कैसे मनाते थे। अपन लोग सबसे पहले सुबह उठकर अपने बड़ों को पैर छूकर गोड़ लगाकर प्रणाम नमन करते थे है ना, और उनके बाद उन्हें बोला करते थे हैप्पी न्यू ईयर या फिर नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और फिर उसके बाद फिर पूरी सब्जी, हाँ एक्चुअली क्या हुआ कि अपन लोग तुरंत ही बाहर निकल जाते थे घर से बाहर, और एक बगीचे में जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होते थे वहाँ पर घर से कुछ, मतलब बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि अपन लोग निकल जाते थे और वहाँ जाकर आप लोग कुछ बनाते थे खाने के लिए, कुछ वहीं पे जाके बनाते थे। हम लोग सब दोस्त लोग थे वहाँ पे, छोटे मोटे बनाते थे भी और कुछ लेके जाते थे घर से वहाँ जाकर, लेकिन मेन मोटो तक खाना ही था, ठीक है, घर से बाहर जाकर खाना आ जाए। ये तो था आपका न्यू ईयर। और आप एक बार हमें आपके भाई की कहानी सुना रहे थे ग्रीटिंग कार्ड वाली, वो बताइए। वो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा भाई जो बड़े भाई है ना, उनका नाम मैं तो नहीं बता रहा फिलहाल अभी, क्योंकि बताने में नहीं चाहिए, सेंसर कर देंगे। एक्चुअली पिटाई ज्यादा हो जाएगी फिर अभी। उन्होंने जब न्यू ईयर मना रहा था तो उनको किसी ने, एक लड़की ने गिफ्ट दी थी, लड़की ने लड़के को दिया उस टाइम पे होता था ये सर। मतलब एक्चुअली में हुआ ये बहुत बड़ा चीज हो गया, मतलब गिफ्ट देना, मतलब ग्रीटिंग कार्ड देना बहुत बड़ी चीज हो गई।
तो दिया के दिया उन्होंने, तो उन्होंने पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था है ना, लोग प्यार दर्शाने का सबसे बढ़िया मार्ग न्यू ईयर ही था, लोग उसमें अपने दिल की बात सब जाहिर कर देते थे। फिर क्या हुआ साहब? फिर एक्चुअली क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा नहीं कि सीरियस था स्टडी को लेकर, इसलिए थोड़ा सा वो पीछे हट गया। तो लड़की कुएं में कूदने की चली गई। हाँ लड़की एक्चुअली क्या हुआ कि लड़की जब एक्सेप्ट नहीं किया गया प्यार का, तो लड़की इमोशनल होकर कुएं में कूदने चली गई थी। आगे काफ़ी गंभीर मैटर हो गया था। अब रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जो मैंने बोला था कि आया कहाँ से रिवॉल्यूशन, ये सारा कल्चर आया कहाँ से। मेरे अकॉर्डिंग, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि ये कल्चर आया हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर से। कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसा होता था, अगर जो लोग कॉलोनीज़ में रहें, सीमेंट फैक्ट्रीज या केमिकल फैक्ट्रीज की जो कॉलोनीज़ रहती थी बनी बनाई, फॉर एग्जांपल बिनानी सीमेंट, जेके सीमेंट, तो वहाँ पर पार्टीज का कल्चर स्टार्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज कि लोग आपस में इंटरेक्ट करें एंड एज अ फैमिली फील कर पाए। अरे वजीर सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आइए सौरभ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो वजीर सर, ये जो व्लॉग है ये है न्यू ईयर के बारे में, कि बचपन में हम न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते थे और अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है न्यू ईयर से, वो बताइए। अभी देखिए सर, यानी हमारे जब बचपन की अगर बात करें तो कौन सा जमाना था? आपका जमाना कौन सा था? मेरा 90s का था, 80s का था, मतलब काफ़ी पुराने लोग हैं। पुराने नहीं, ठीक है, हमें नए अंदाज के हों पुराने। तो एक्चुअली हमारे समय सर इतना तो नहीं हुआ करता था 31st वगैरह ऐसा सेलिब्रेशन, ये तो बस ऐसा मूवीज़ वगैरह में ही देखने मिलती थी ये चीज़ें। बट फिर भी हम कोशिश करते थे थोड़ा बहुत 31st सेलिब्रेट करने का, यानी जो हमारे मोहल्ले में छोटा सा एक गेट टुगेदर हुआ करता था। और एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगा, जो एक ही बार हुआ है, मुझे परफेक्ट याद नहीं, बट यार 9th या 10th में थे हम उस समय। तो हमारा दोस्त है एक शैलेंद्र सिंह राठौर, वो यहाँ बुलाना रहा करता था, अभी वो लेफ्टिनेंट कर्नल है और पोस्टिंग लद्दाख में है। तो उसके घर हम गए थे सभी फ्रेंड्स रात में नियर अबाउट, यानी हमने बहुत घर में ये करके परमिशन मांगी थी होल नाइट स्टे के लिए बाहर 31st में, वो भी। और हमारा होल नाइट स्टे मतलब सिर्फ टीवी देखना, मूवीज़ देखना और उस समय थम्सअप की बॉटल, बस इतना ही हमारा सेलिब्रेशन था उस समय, बस इतना ही सेलिब्रेशन था। और मुझे वो दिन इसलिए याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम शेविंग की थी। शेविंग करती है, एपिक मोमेंट होता है लड़कों की लाइफ का, ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है जब वो मर्द बन जाते हैं शेव करके। बीट थी भी नहीं, पर फिर भी हमने शेव किया था, सभी ने किया था शेव। तो दूसरे दिन बहुत मार पड़ी थी बिल्कुल, डंडों से मार पड़ी थी, दूसरे दिन की इतना बड़ा हो गया, मर्द से मार मार के गीले बना दिया गया। बहुत हालत खराब हो। और अभी की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अभी देखिए सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बढ़िया सेलिब्रेशन करना है तो बहुत अच्छी बात है। बट एक सेलिब्रेशन का एक क्या बोलते हैं ना, उसे प्रॉपर यानी सेलिब्रेशन जैसा होना चाहिए। आजकल अभी बहुत सी जगह पे दिखता है कि ऐसा केओस टाइप होता है बिल्कुल, तो वो रुकना चाहिए। बाकी और आप कहाँ जा रहे हैं इस बार 31st? आप नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम प्लान कर रहे हैं लास्ट ईयर का ही सेम प्लान, जो हमारा मिस हो गया था, याद है आपको? नहीं मुझे याद नहीं, बोलिए एक बार, बोलना चाहे कैमरे पे बोलिए। लोनावला, तो हम 31 की रात को लोनावला में मिलेंगे आपको ब्लॉग के ऊपर, और ऐसा ऑन कैमरा उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, तो अभी पलट नहीं सकते। तो न्यू ईयर के एक्सपीरियंस में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अभी हमारे साथ अखिलेश सर हैं, जिनको इस बार इंडियन आइकन अवार्ड मिला 2019 का, जो कि काफ़ी बड़ा अवार्ड है, अपने आप में समझ में आ रहा होगा, नाम इतना बड़ा है तो अवार्ड कितना बड़ा होगा। तो सर है हमारे साथ। सर ये व्लॉग, हाय सर, ये जो व्लॉग बन रहा है इसका कंटेंट ये है कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन या रेवोल्यूशन कैसे हुआ, लाइक 90s से लेकर अभी तक, तो वो सारा कंटेंट मैंने बताया। तो आप अपने चाइल्डहुड में किस तरीके से न्यू ईयर मनाते थे सर? हम अपने चाइल्डहुड में न्यू ईयर इस तरीके से मनाते थे कि जो भी सोसाइटी का पार्ट है, जिनको हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो उनको एक तारीख के दिन 31st में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। अच्छा, वो कंसेप्ट नहीं था पैसा इन्वेस्ट करना पार्टी जाना, आज भी नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग जो भी एक तारीख को जो भी लोग जिनको नीड होती है उनको जा कर के कपड़े देते हैं, उसके बाद में उनको जा कर के स्वीट्स देते हैं, दैट्स इट। एंड वी आर स्टार्टेड एवरी फर्स्ट वीक जो संडे आता है 2020 में, जो भी पहला संडे आएगा उसमें जो भी विकलांग बच्चे और मतिमंद बच्चे रहेंगे उन लोगों को हम लोग फ्री में खाना और उनके साथ कुछ नए क्षण बिताएंगे। काफ़ी मैं कह सकता हूँ ये जो लोग न्यू ईयर हम लोग जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी तक, जो अपने एक्सपीरियंस सुने, पार्टी करना है, खाना खाना है, उससे काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस सुनने को मिला और सुन के थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि सिर्फ पार्टी नहीं करनी चाहिए न्यू ईयर पे,
थोड़ा सोशल वर्क भी करना चाहिए, हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बात उसकी भी कर लेते कि हमने कब न्यू ईयर पार्टी पहली बार मनाई थी। तो जो रिवॉल्यूशन की बात चली रही है कि 2015 से बाद क्या हुआ, तो 2015 के बाद मेरे जीवन में हुआ कि मैंने पहली बार अपनी न्यू ईयर पार्टी मनाई। कहाँ पे मनाई थी? ऋषभ के घर पे मनाई थी, ऋषभ की छत पे, और उसकी किचन हमने ली थी। अंकल आंटी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी पार्टी करने में, क्योंकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर जगह फुल हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे अंकल आंटी ही थे जो हमको सपोर्ट कर रहे थे कि जाओ न्यू ईयर पार्टी करो। हाँ, ऐसा भी होता था, ऐसा होता है रियलिटी में, पेरेंट्स भी सपोर्टिव रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी पार्टी करी थी, कैंप फायर वगैरह किया था, सब कुछ हुआ था। तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर पार्टी। उसके बाद लास्ट ईयर का वीडियो आपने देखा ही था पिछले व्लॉग में। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ न्यू ईयर का। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग हैं या कुछ मैंने मिस आउट कर दिया है या जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं नोट नहीं कर पाया, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे। हमारी जनता पूरी तरीके से तैयार है क्रिसमस मनाने के लिए। अब आपको सेलिब्रेशन दिखाएंगे हम क्रिसमस का। दोस्तों, आपको हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो आप डेफिनेटली करने ही वाले हैं ऐसा मुझे लगता है, और बेल आइकन को आप वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। तो दिस इज़ इट, ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगली बार मिलते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। आई होप यू विल इन्जॉय दिस व्लॉग वेरी मच। चलो बाय, टाटा। स्टोरी सुना था, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। 2007 की बात है, हमारे दोस्त के साथ हमने कोलकाता घूमने गए थे, ठीक है। तो निकले पड़े, तो कोलकाता पहुंच गए, ऐसे ही घूम रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसका अंकल हमको मिल गया। किसका अंकल? ना, हमारे एक दोस्त बुंदावन, उसका नाम बुंदावन है, उसका अंकल मिल गए, ठीक है। तो बोले, अरे बुंदावन तू इधर कब आया? ना अंकल, मैं दोस्त के साथ घूमने आया हूँ। उनका बातचीत चला, चलते चलते वो क्या किए, बोले कि ठीक है, तू जब आ गया तो हमारे घर आ जाना, थोड़ा घूम के आ जाना। अभी बोला, हाँ ठीक है अंकल, मैं आ जाऊँ, अभी दोस्त के साथ घूम रहा, तो ठीक है मैं आ जाऊँ। तो फिर अंकल ने वहाँ पे खड़े खड़े उनको आंटी को कॉल कर दी। तो आंटी ने फ़ोन उठाए, बोले ठीक है बुंदावन आया, तो काम करना, उसको घर बुला रहा ना, और खाना पीना करके जाएगा वो। तो ये बोल लिया कि अरे आंटी ने तुझे इन्वाइट किया है, घर में खाना खाना है, तो ठीक है तू रात को आ जाना और खाना खा के आ जा। तो ये बोला कि ठीक है अंकल, मैं आ जाऊँगा, मैंने घर जाकर डिनर करके आ जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, आंटी ने बोला दिन में नहीं खाना है, रात को खाना है, और रात का खाना बना रहे। अरे हाँ अंकल, तुम जाओ, मैं आके डिनर करके आ जाऊँगा। तो ये बोलेगी, अरे नहीं रे, दिन में नहीं खाना है, रात को, रात को खाना है। अरे हाँ अंकल, रात को ही खाना है, लेकिन मैंने डिनर में, रात को आके डिनर करके। अरे फिर से बोला है वही, दिन में खाना है। अरे दिन में नहीं, रात को, रात को, मैंने वही पे देख रहा था दोनों कॉन्वर्सेशन, क्या चल रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उनके बीच में आ गया और बोला, अरे अंकल, वो बोला है कि रात को आएगा, और डिनर का मतलब रात का खाना, रात को खाना क्या खाए जाऊँ अंकल। ओह, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, मुझे पता नहीं। तो इससे बोल के उनको समझ में आएगा। उस टाइम पर उनको पता नहीं था कि डिनर दिन का खाना नहीं होता है, रात का खाना होता है। तो ये मेरा स्टोरी था।